वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं आप, तो प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दी जाती है, बिहार में क्या प्रावधान है? कि हम लोग अलग से डिस्काउंट भी देंगे, रिबेट भी उसमें कराएंगे सब्सिडी के तौर पर। सरकार में सब ठीक है ना? बीजेपी में वो कौन सा चेहरा है जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर सके? आपको क्या लगता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? उस रूल पे हमारा बिहार फिट नहीं बैठता है। क्या लगता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे? अच्छा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आपके हिसाब से ये कब होना है? कुछ सीटें खाली है तो इस पे बात चल रही है कि किन्हीं न किन्हीं को फिर लाया जाए। मुकेश सहनी को लेकर आपके क्या विचार है?